प्रॉब्लम होता है कि कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पूरे भारत नहीं पूरा विश्व भगवान गौतम बुद्ध के जन्मदिन को मना रहे हैं, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल है उस हाल को व्याख्यान करने के लिए, और उत्तर प्रदेश ही नहीं आज दिल्ली में भी अपना पैर जमाने के लिए बहुजन समाज पार्टी जो जमीन खोई हुई थी उसे ढूंढने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर इंदु चौधरी जी, जो इंदु चौधरी बड़े पैमाने पे बहुजन समाज की बात करती हैं और समाज की बात करती हैं। इंदु चौधरी जी इस समय जो बहुजन समाज पार्टी की जो जमीन खो गई थी उसे ढूंढने की आप कोशिश कर रही हैं, तो आप कैसे उसको मुकाम तक पहुंच पाओगे? मैं बहुजन समाज को उसकी जमीन याद दिला रही हूँ। मैं किसी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं हूँ, ये मैं आपको पहले बता दूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक प्रोफेसर हूँ, तो मैं अपने समाज को उसका दायित्व याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ जो माननीय कांचीराम साहब हमको सौंप के गए थे। अगर हम अपनी जमीन तलाशेंगे, अपने समाज को, अपनी जो पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है उसको अगर हम याद रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या हैं, किस जाति में जन्म लिए, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि बहुजन समाज शासक कौम जरूर बन के रहे। डॉक्टर इंदु चौधरी, जो आज भगवान गौतम बुद्ध का जन्मदिन भी है और आज मरण दिन भी है, और आज के दिन उन्होंने दीक्षा ली थी, तो भगवान गौतम बुद्ध के कुछ ऐसे दो तीन विचार बताइए जिसे समाज का सुधार हो, उद्धार हो, निर्माण हो। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस समय बुद्ध जब सारनाथ से थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो रास्ते में एक जगह कुछ राजपूतों का झुंड था जो अपनी पत्नियों के साथ में जा रहा था, तो उसमें करीब 100 की संख्या में वो लोग थे, तो उसमें 99 लोग तो अपनी पत्नियों के साथ में थे, लेकिन एक जो राजपूत था वो अपनी पत्नी के साथ में नहीं, उसके साथ में वेश्या थी, गलती से उसके साथ में वेश्या आ गई थी क्योंकि वो लंबा लंबा घूंघट करती थी तो पहचान में नहीं आए। तो रात को जब सारे लोग खाए, जैसे उस जमाने में तो इतना ट्रेवलिंग नहीं था तो वो रात में कई जगह रुकते थे फिर आगे बढ़ते थे, तो वैसे ही जब वो आगे बढ़ मतलब रात को रुके तो जो जिसके साथ में वेश्या थी वो उसका सारा पैसा रुपया सारा गहना जेवर लेकर के भाग गई। तो अगले दिन जब उनकी नींद खुली सुबह तो देखे तो उनका एक आदमी का सारा सामान गायब था, पत्नी भी गायब थी, मतलब पत्नी क्या, वो तो वेश्या थी, तो मतलब एक तरह से लुटेरी थी, वो लेके भाग गई थी। तो वो लोग उसको ढूंढने निकले कि अब इसको मारेंगे काटेंगे, तो उसको ढूंढने लगे। तो रास्ते में एक जगह जो है बुद्ध अपना ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तो उनकी पूरी फौज जो है ढूंढ रही थी उस औरत को, तो ढूंढते हुए जब बुद्ध के पास पहुंची तो बुद्ध से उन्होंने पूछा कि यहाँ से एक लुटेरी औरत को आपने जाते हुए देखा, वो हमारा सारा सामान लूट के भाग गई। तो बुद्ध ने उनको ये कहा कि जो तुम्हारा सामान चोरी करके भागी है उसको ढूंढने की बजाय तुम अपने स्वयं को क्यों नहीं ढूंढते हो, अपने आप को तलाशो कि तुम अपने आप से क्या चाहते हो। तो अपने आप को अगर तलाशोगे तो तुमको वो परम सुख प्राप्त होगा जो तुमको धन संपत्ति से भी नहीं प्राप्त हो सकता। और वो पूरा 100 की संख्या में जो राजपूत थे वो सारे लोग एक साथ बुद्ध की शरण में आ गए, और ये संदेश हमारे बुद्ध का आज भी प्रासंगिक है कि विश्व के 52 देशों में तथागत बुद्ध की विचारधारा का जो है प्रचार प्रसार हो रहा है, बिना किसी जो है चमत्कार के, बिना किसी आडंबर के, पाखंड के, ये विचारधारा पहुंच रही है। तो निश्चित रूप से ये बुद्ध का ही संदेश है, उनका ही प्रताप। डॉक्टर इंदु जी, जैसे कि आप मन से खूब चिल्लाती हैं कि आप बौद्ध धर्म अपनाइए, आप हाथों के अंदर चूड़ी और पैरों के अंदर बिछिए और लिपस्टिक वगैरह और काजल वगैरह लगाने के लिए मना करती हैं, जब आप क्षेत्र में जाएंगी, जब उनसे वोट मांगेंगी, तो ये वही महिला है जो हमने काजल और लिपस्टिक लगाने को मना कर दिया, हम इसे वोट नहीं देंगे। मैंने कभी काजल और लिपस्टिक लगाने के लिए मना नहीं किया, मैंने औरतों को जागरूक किया कि आप उन जंजीरों को तोड़िए, उन बेड़ियों को तोड़िए जिन बेड़ियों को इस पुरुष प्रधान समाज ने हमारे ऊपर लादा है। जैसे आदमी फ्री रहता है आप भी फ्री रहिए। मैंने कभी श्रृंगार करने के लिए मना नहीं किया, मैंने उनको उनका असली श्रृंगार बताया। उनका असली श्रृंगार है उनकी बुद्धि, उनकी शिक्षा, उनका असली श्रृंगार उनका चरित्र, उनका असली श्रृंगार है उनकी बोली। इस श्रृंगार का महत्व उनको सिखाया कि आप इसको सजाएंगे अपने अंदर तो आप और खूबसूरत लगेंगे। तो वोट मांगने कोई मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं है जो मुझे वोट मांगने जाना है, मैंने तो डिक्लेयर किया है, ना तो मुझे पूरी जिंदगी धन संपत्ति रखनी, ना तो कोई घर मकान बनाना है, मुझे अपने नाम पे कोई बैंक बैलेंस भी नहीं रखना है, तो मुझे तो ना तो चुनाव लड़ना है ना तो पैसा रुपया जोड़ना है, तो मेरे को किसी बात का टेंशन नहीं है, मेरा समाज जागरूक होता रहे, ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। लेकिन लोगों को मानना है कि इंदु चौधरी अपनी जमीन तैयार कर रही है। देखिए, जमीन अगर तैयार करनी होती तो मैं किसी एक क्षेत्र में काम कर रही थी, पूरे भारत में घूम घूम के काम नहीं कर रही थी, पूर्वांचल के एक एक जिले में मैं घूम रही हूँ, एक एक ब्लॉक में मैं घूम रही हूँ। अगर चुनाव लड़ना होता तो किसी एक जगह से न लड़ती, तो इतनी सीधी सी बात लोगों को क्यों नहीं समझ आया।
तो आप जनता से क्या अपील करना चाहती हैं इस समय? मैं जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहती हूं कि माननीय कांशीराम साहब का सपना था हमारे बहुजन समाज को शासक कौम बनाने का, आप सब लोग अपनी सारी चमचागिरी छोड़ के केवल शासक बनने पे जोड़ दीजिए, क्योंकि इस चमचागिरी की बदौलत आप कुछ समय के लिए तो आप राजा बन सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, साहब ने कहा था कि दूसरे के महल में तो जा रहे हो लेकिन अपने झोपड़े में आग लगा के मत जाना, क्योंकि जिस दिन उस महल वाले का काम तुमसे खत्म हो जाएगा वो तुमको लात मार देगा, उस दिन तुम्हारा झोपड़ा ही तुमको शरण देगा। तो अपने उस झोपड़े को जो आज भरभरा के गिर रहा है उसको सही करने की जिम्मेदारी हमारे बहुजन समाज की है, और इस झोपड़े को न केवल सही करना बल्कि सही करके इसको महल में तब्दील करना है और शासक कौम बनना है, हुक्मरान कौम बनना है। यही गुजारिश, यही संदेश मैं आप सब बहुजन समाज के लोगों को दूंगा। धन्यवाद।